हेलो दोस्तों, आज और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, लेकिन कुछ कंडीशन है। देखिए, अभी मार्केट ओपन होने में यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अराउंड 45 मिनट्स बाकी है। ठीक है, 45 मिनट। तो यहां पर मैं आपको वीडियो में पूरा फंडामेंटली और टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा सही से, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से उसका फंडामेंटली क्या ग्रोथ है जो भी कंपनी का वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं साफ साफ आपको इतना बताऊंगा कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा स्टॉक का जो प्राइस है आने वाले दिन में इंक्रीज होने वाला है, और वो अच्छा ही प्रॉफिट नहीं मतलब बहुत अच्छा मतलब बेहतरीन प्रॉफिट आप लोगों को निकाल के देने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से रखते हैं दोस्तों, तो वो आपको अच्छा से भी अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर आपने नई खरीदारी किया है तो जम के खरीदारी कीजिए। ठीक है, और वो स्टॉक है आप लोगों के सामने देख सकते हैं दोस्तों, भारती एयरटेल, जो अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो करेंट प्राइस है और जो अभी लेटेस्ट प्राइस आने वाला है वो, तो से आपको कंपेयर करके पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों 473 में इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है 473 में। ठीक है, और यहां देख सकते हैं दोस्तों भारती एयरटेल को इसका जो कैपिटल रेस करना था दोस्तों, इसने जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट जितनी थी वो कर चुका है दोस्तों। अब उसका बाद इसमें एक बहुत अच्छी रैली आने वाली है। हालांकि दोस्तों मैं ये स्टॉक को काफी पहले से बता रहा हूं, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, यहां पर 400 के आसपास से कब पहले से आपको बताया जा रहा है कि आपको खरीदना है खरीदना। आज के डेट में ये 500 को टच करने वाला है। ये देखिए चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, अभी जो इसका रेंज चल रहा है 473 में चल रहा है। यहाँ पर एक मिनट में दोस्तों 1 ईयर का चार्ट दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें गिरावट भी हुई थी, तो गिरावट को ये रिकवर करते हुए देखिए कैसे अपर साइड में जा रहा है। देखिए जब ये गिरावट हुआ था दोस्तों, तो यहाँ तक चला गया था, 280 के भाव में चला गया था, फिर से ये देखिए 500 के रेंज में मतलब अपने रेंज में ये जो है वापस आ रहा है। तो दोस्तों हमें वैसे स्टॉक को खरीदना, देख लीजिए आपको, अगर आप खुद से पूछते हैं दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में कौन सा सिग्नल अच्छा है, क्योंकि देखिए जिसका सिग्नल अच्छा है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाय करेंगे और उसको जो है सपोर्ट करेंगे। तो अगर पब्लिक जिस चीज़ को सपोर्ट कर देती है दोस्तों, उसको मतलब वो बहुत अच्छा रहता है, उसको पीछे करने वाला शायद ही कोई रहेगा। ठीक है, तो आपको, आप देख सकते हो BSNL, वोडाफोन, यहाँ तक कि जियो अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि अच्छा नहीं है, लेकिन जियो अच्छा है, लेकिन एयरटेल उससे अच्छा जो है स्पीड दे रहा है, इंटरनेट का स्पीड दे रहा है। आप बोलेंगे कि नहीं जियो का भी अच्छा चलता है, मैं ये बताना चाहता हूं कि गांव घर जितने भी है दोस्तों, जिला जवार हर जगह में जियो का जो टावर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना एयरटेल का है, क्योंकि एयरटेल का है जो एक इक्विटी ऑफ ब्रांड बन चुका है मतलब उसका जो है परफॉर्मेंस की वजह से, और जियो जो बना है दोस्तों वो पैसे की वजह से बना है, तो पैसे पैसे से जो बनता है वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं, और टिकाने के लिए उसको उसमें लॉयलिटी लाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जब जियो आया तो एयरटेल को पूरा गिरा दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये देखिए वापस फिर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, आप देखिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच बीच में इतना लंबा रैली आता है, देख लीजिए ये दोस्तों 280 रुपीज का स्टॉक, यहाँ पर देख सकते हैं 500 को टच ही करने वाला, 500 को टच ही करने वाला। तो हमें ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए जो पिट चुका है, वो भी किसी कारण से बेवजह पिट चुका है, क्योंकि देखिए उसका जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है दोस्तों, जो उसका एक्चुअल प्राइस है, जो शेयर पर शेयर जो इसका प्रॉफिट हो रहा है वो तो होगा ही, और देखिए इसने जो है जितना भी था प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज किया था, फिर से जो है जितने भी रिचार्ज का प्राइस इंक्रीज कर दिया है। तो देखिए अब जो है टेलीकॉम सेक्टर का बहुत अच्छा प्रॉफिट और ग्रोथ होने वाला है, और पहले जितना भी लॉस था अभी रिकवर करके ये आगे आते जा रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर में 54% दिया दोस्तों। टेलीकॉम को स्टॉक में इसलिए आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है टेलीकॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे आने वाले जनरेशन, उसके भी जनरेशन, जितना भी जनरेशन आ जाएगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जाएगी घटेगी नहीं, तो टेलीकॉम का जो है वो भी अपना टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करेगा और वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि उसको भी चेंजेस लाना है अपने बिजनेस में। अब देखिए पहले जो मॉडल था वो नहीं रहा तो अब चेंज हो गया, तो टेलीकॉम बिजनेस एक ऐसा जो डूबने वाला नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं डूबने वाला। तो ऐसी बिजनेस को खरीदिए जहां पर आपको 1 ईयर में भी अगर आपको 50% देता है तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बस इतना बताया था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है।
और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले चार्ट के अंदर मैं समझा देना चाहता हूँ। देखिए चार्ट में कभी कभी देखिए सीजनल गिरावट आती रहती है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो रेड कैंडल है यहाँ पर भी गिरावट आई, हर जगह जगह में गिरावट है, ठीक है, हर जगह जगह में गिरावट आए। लेकिन फाइनली अगर हम यहाँ से देखें ना, तो अपर सर्किट में ही गया, अपर सर्किट में दिख गया। तो अगर थोड़ा बहुत गिरावट आता है ना, तो आपको पेशेंस रखना है, होल्ड रखना है दोस्तों, पेशेंस रखना है, ठीक है। सेल मत कीजिएगा। जब भी हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो प्राइस देख के नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन देख के खरीदा जाता है। तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, हो सकता है कि मार्केट गिर जाए या कुछ भी हो जाए दोस्तों, तो आप बेचिएगा मत। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं कि पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और आते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।